ब्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया आपके पास आज हुमायूं टॉम्ब की जानकारी लेके हाजिर है। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है हुमायूं टॉम्ब के बारे में। ये लेटरल व्यू है, साइड व्यू है। हुमायूं टॉम्ब के चारों तरफ अगर आप घूम जाएंगे तो आपको एक ही जैसा ये लगेगा। ये वाइट मार्बल की टाइल है ऊपर और ये गोल्डन गुंबद है उसके ऊपर। ये चार बाग के कंसेप्ट के ऊपर ये बनाया गया है और ये जो चारों तरफ इसके ऐसे ही मेहराब हैं और इसके चार बाग जो हैं ये लॉन्स हैं, जो ये बहुत बड़ी बड़ी लॉन है। यहाँ पे आके आप अगर पूरा दिन भी बैठे रहें तो आपका मन जो है उदास नहीं होगा। बेसिकली ये जो टॉम है ये हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की डेड बॉडी जो है वो यहाँ दफन है। हालांकि जैसे पहले दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि 1556 में हुमायूं की पुराना किला के अंदर अचानक डेथ के बाद उसकी बॉडी पहले पुराने किले में दफन हुई, फिर सरहंद में ले गए और उसके बाद ये यहाँ पे इसको दफन किया गया। इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हुमायूं की जो बड़ी बेगम थी, पर्शियन रीजन की थी, हमीदा बेगम, बेगा बेगम भी उसको कहते थे, हाजी बेगम भी उसको कहते थे। वो हुमायूं की डेथ के बाद अचानक शौक में चली गई, लेकिन 1560 आते आते उसने मन बनाया कि मैं अपने पति का एक बहुत बड़ा टॉम्ब मकबरा बनाऊंगी और इसमें फिर वो अगले 10 साल अंगेज हो गई। इसके लिए पर्शियन आर्किटेक्ट हायर किया गया और इसको डिज़ाइन किया गया और ये मोर देन 50 हेक्टेयर में यमुना के किनारे में माउद्दीन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के तकरीबन सामने ये टॉम्ब जो है वो बनाया गया। ये वो समय है जब यहाँ पे लाल किला भी नहीं था, जामा मस्जिद नहीं थी, ये चांदनी चौक का पूरा एरिया भी डेवलप नहीं हुआ था, ये गांव की शक्ल में था। तो तब इस एरिया में, उस समय निजामुद्दीन एरिया फिर भी थोड़ा डेवलप था, वो निजामुद्दीन औलिया की वजह से था और यहाँ पे हमीदा बेगम ने कंस्ट्रक्शन जो है शुरू करवा दी। अकबर तब तक हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था, उसने यहाँ की कैपिटल जो थी वो आगरा में शिफ्ट करवा दी, इसलिए जो दिल्ली के ऊपर मुग़ल सल्तनत का फोकस था वो कम हो गया, जबकि लोधी सल्तनत में और दिल्ली सल्तनत में हमेशा से दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान का मरकज रहा है, हिंदुस्तान की कैपिटल रहा है, लेकिन अकबर के टाइम पे आके ये फोकस सारे का सारा जो है आगरा में चला गया। इसलिए भी इसकी कंस्ट्रक्शन में और इसके बाद उसके रख रखाव में काफ़ी दिक्कतें जो थी हमीदा बेगम को आई। बाद में हमीदा बेगम की भी कब्र यहीं पे बनी और यहीं पे बेशर जो मुग़ल नवाब हैं, एहलकार हैं, बड़े लोग थे जो उनके जानशीन थे, बहुत सारे यहीं पे दफन है। एक किस्म से ये हिंदुस्तान के अंदर मुग़लों की सबसे बड़ी कब्र गाह है। तो ये देखिए, इतने सालों के बाद भी ये यूं का तू है। हालांकि बीच में सैकड़े साल ये ऐसा नहीं रहा, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। इसके ये चार बाग हैं, यहाँ पे किसान खेती करते थे और ख़ास करके ब्रिटिश पीरियड में इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया, क्योंकि इस एरिया से ही बहादुर शाह जफर छुपा हुआ था 1857 में, यहीं से उसको अरेस्ट किया गया था। इसलिए अंग्रेज़ इस जगह को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे और उन्होंने टोटल इसको नेगलेक्ट कर दिया। उनकी ये मंशा थी कि जितने भी मुग़ल पीरियड के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको बर्बाद किया जाए। लाल किला के अंदर भी फौजी बैरकें बना दी गई, उसका सारा आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। अभी भी आप जाएंगे तो आप लाल किले के अंदर बेशक बैरकें हैं और इस बैरकों में परमानेंट उन्होंने आर्मी को बैठा दिया।
क्योंकि लाल किला के ऊपर जिसका कब्जा है वही हिंदुस्तान का बादशाह है ये माना जाता था। इसलिए ब्रिटिशर्स हर हालत में ये चाहते थे कि लाल किला जो है वो एक मरकज़ है ब्रिटिश रूल का और उसको कायम रखा जाए। इसी सिलसिले में उन्होंने चाहे ताजमहल हो, चाहे सिकंदराबाग हो, चाहे लाहौर के मोनूमेंट हो, चाहे ये हो, इनको बिल्कुल नगलट किया ताकि लोगों की मेमोरी से ये फेड हो जाए। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद 90s में आके ये साइट जो है इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। इस एरिए में जितने भी नजायज कब्जे थे, यहाँ जहाँ भी खेती होती थी उस जगह को खाली करवाया गया और यूनेस्को की देख रेख में दोबारा इसकी रेस्टोरेशन जो है वो की गई है। आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं। एक तो ये रेज प्लेटफॉर्म है, इसके फर्स्ट फ्लोर जो है वो भी तकरीबन 20 मीटर ऊंचा है, उसके ऊपर जाके फिर बिल्डिंग बनी हुई है, फिर ऊपर एक गुंबद सा बना हुआ है, उसके ऊपर ये सुनहरी जो है ये कलश लगा हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोग फर्स्ट फ्लोर के ऊपर घूम फिर के इसका नज़ारा ले रहे हैं। हालांकि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिकली है तो ये टॉम कब्रगाह ही है, तो ज़्यादा इसमें कब्रें हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हमीदा बेगम के टाइम के कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बेशा कीमती कारपेट थी, शाहजहाँ के जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, उसके जूते, उसकी कृपान, उसका सारा कुछ, तलवार जो थी वो सारी यहाँ थी, जो टाइम के साथ लुप्त हो गई। अब इसके अंदर कोई भी चीज़ जो शाहजहाँ के साथ हुमायूं के साथ रिलेटेड थी वो यहाँ पे अब मौजूद नहीं है। सब कमरे या सब जगह खाली हैं, केवल अंदर कब्रें हैं और कब्रें बहुत सारी हैं। कुछ नोन लोगों की कब्रें हैं और कुछ अननोन लोगों की कब्रें हैं। धन्यवाद।